तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को बिना टच किए परमानेंटली रिमूव कर सकते हो तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं। वेल, आपके लिए मे बी ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आज तक आपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ ये सारे तरीके ही देखे होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए ये सारे मेथड्स आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। इससे आपके पोर्स लार्ज हो जाएंगी, आपको स्कार्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया फैलने की वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को बिना टच किए परमानेंटली रिमूव करे तो करे कैसे? वेल, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में क्योंकि आपके लिए वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको बहुत ही इजी बट बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, होम रेमेडी भी बताऊंगा और वीडियो के एंड में कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो डेफिनेटली आप करते होंगे और उन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स कभी परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। बट उससे पहले हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। देखिए, हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब इसका काम ये होता है कि हमारी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चर, एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं सीबम। अब इससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है, मॉइस्चर रिटर्न रहता है, सॉफ्ट रहती है, राइट? अब जब एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है तो वो कॉन्टेक्ट में आता है बैक्टीरिया, डस्ट या फिर डेड स्किन सेल्स। अब इसके कॉन्टेक्ट में आने से हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें होते हैं ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स। अब ब्लैक कलर इसलिए आता है क्योंकि वो जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स वाई वो ब्लैक कलर हो जाता है। अब व्हाइट हेड्स की बात करें तो उसकी सरफेस क्लोज होती है, दैट्स वाई वो डार्क नहीं होते। तो आपको रीजन पता चल गया। अब हम बात करते हैं बहुत इजी ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्किन प्रॉब्लम को अगर जड़ से खत्म करना है, परमानेंटली खत्म करना है, तो उसके लिए काम आते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ये तोतला है। तो यहाँ पे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सैलिसिलिक एसिड एंड रेटिनॉइड्स। इस सिंपल से ट्रीटमेंट के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें यूज करनी है, एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश एंड दूसरा एडेप्टिलिन जेल। अब इस ट्रीटमेंट को आपको नाइट टाइम पे ही करना है, तो सोने से पहले आपको फेस वॉश करना है लुकवार्म वाटर से, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से अच्छे से सर्कुलर मोशन में स्किन को क्लीन करना है। सैलिसिलिक एसिड आपके फेस पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो डैमेज स्किन होती है, उसको ये रिमूव कर देता है, उस लेयर को खत्म कर देता है, आपके पोर्स को बहुत क्लीन कर देता है एंड आपके एक्सेस ऑयल को भी ये रिमूव करता है। अब अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आपको इस जेल को अप्लाई कर देना है, जहां भी आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है वहां इस जेल को अप्लाई कर दीजिए। अब ये एडेप्टिलिन एक टॉपिकल रेटिनॉइड है जिसको आप ह्यूमन मेड विटामिन ए भी बोल सकते हो, जो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब इस जेल को अप्लाई करने के बाद इसको ओवरनाइट रखना है एंड सुबह वॉश कर देना है। बट यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि फेस वॉश जो मैंने बताया सैलिसिलिक एसिड वाला, उसको सिर्फ रात को ही यूज करना है, मॉर्निंग में आपको कोई नॉर्मल फेस वॉश ही यूज करना है। अब आपको पता है कि हमारे स्किन टाइप के हिसाब से कुछ चीजें ऊपर नीचे हमें करनी पड़ती है, तो अगर आपकी ऑयली या फिर नॉर्मल स्किन है तो ये ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर करना है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है तो आप फेस वॉश जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज करोगे उसको आपको एक दिन को छोड़ के करना है, अल्टरनेटिवली करना है। वो अगर सूट करे तो उसको कंटिन्यू करिए, एवरीडे कर सकते हो, बट अगर ना करे तो उसको यूज नहीं करना है, सिर्फ इस जेल को ही लगाना है। इससे भी आपका काम हो जाएगा ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको दो प्रिकॉशंस रखने हैं। सबसे पहला कि आपको मॉर्निंग में इस जेल को अप्लाई जरा भी नहीं करना है क्योंकि ये सन के साथ रिएक्ट करती है, इससे आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दैट्स वाई इसको सिर्फ रात को यूज करना है। एंड मॉर्निंग में आप जब भी बाहर जाओ तो सनस्क्रीन का यूज करिए या फिर सिंपली स्किन को कवर कर दीजिए। एंड दूसरा है कि आपको फेस मॉइस्चराइजर यूज करना है क्योंकि देखिए, आप आपकी स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपकी स्किन की कुछ लेयर्स निकलती है, आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो आपको फेस मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को कवर कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। ओके, तो हमने ट्रीटमेंट की तो बात कर ली, बट हमारे इंडियन आयुर्वेदा को हम कैसे भूल सकते हैं? दैट्स व्हाई हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दो इफेक्टिव रेमेडीज बताने वाला हूँ। सबसे पहला है क्ले मास्क एंड दूसरा है मुल्तानी मिट्टी मास्क। यस, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप रेमेडी बना सकते हो और वीक में सिर्फ एक से दो ही बार यूज करना है
रेगुलरली डेली यूज़ नहीं करना है, इससे आपकी स्किन रिपेयर होने के बजाय और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। दैट्स वाई लिमिट में यूज़ करिए। अब देखिए, होम रेमेडी से मुझे याद आया, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि होम रेमेडी यूज़ मत करो, ये वो बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं। बट देखिए, आपको कभी भी हमारे इंडियन आयुर्वेदा या फिर योगा को भूलना नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, ये चीज़ें आपको रिजल्ट देती है, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा भी बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे नेचर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, तो अगर इसका इफेक्ट नहीं होता तो वो क्यों डालते, राइट? तो किसी की बात में मत आइए, रेमेडीज काम करती है, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, आप रेमेडी के अलावा एक और चीज कर सकते हो कि वीक में एक बार आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, स्क्रब करना है, तो आप कोई भी सीरम का यूज कर सकते हो, एएचए बीएचए आता है। अगर नहीं करना तो सिंपल होममेड स्क्रब बना लीजिए या फिर कोई भी मार्केट में मिलता है उसका यूज करिए। सिर्फ आपकी स्किन को आपको डीपली क्लीन करना है, तो बस स्क्रब करिए वीक में एक बार। अब देखिए, आपने ट्रीटमेंट भी कर लिया, रेगुलर होम रेमेडी भी लगाते हो और रेगुलर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हो, स्टिल आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स कभी भी परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे अगर आप ये तीन मिस्टेक्स करना बंद नहीं करोगे। फर्स्ट, यूजिंग पोर स्ट्रिप्स और अदर एक्सट्रैक्शन मेथड्स। अब आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए अब ये सारी मेथड्स का यूज करते हो तो वो रिमूव तो होंगे, बट सभी रिमूव नहीं होंगे, और उसके साथ साथ और भी हमारी स्किन के लिए जो अच्छे एलिमेंट्स होते हैं उसको भी ये रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल मॉइस्चर सीबम और दूसरी हमारे हेयर फॉलिकल्स। अब जरूरत से ज्यादा सीबम निकल जाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स निकल जाते हैं, तो सबिसेस ग्लैंड सर्वाइवल मोड में आ जाता है, जिससे ऑयल प्रोड्यूशन ज्यादा हो जाता है और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है। अब उससे होगा क्या, ज्यादा ऑयल मीन्स ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। एंड दूसरी सबसे बड़ी गलती है frequently touching your face। आप बार बार आपके फेस को टच करते जाओगे तो आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके फेस पे जाएंगे, तो ऑयल और बैक्टीरिया जब कंबाइन होता है तो आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होंगे ही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार फेस पे ये हाथ टच नहीं करना है। अब तीसरा एंड फाइनल मिस्टेक ये है कि आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। अब ये क्या है, देखिए, अगर आप कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो उससे आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे पोर्स को क्लॉग होने नहीं देते, उसको बोलते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, उस पर पहले देख लीजिए लेबल पे कि लिखा है या नहीं, उसके बाद ही उसको यूज करना है। वैसे मैंने जो सारी चीजें बताई है, जेल बताया, मॉइस्चराइजर बताया, फेस वॉश बताया, सब भी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो, सभी केमिकल फ्री है। ओके, तो ये था हमारी चैनल का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को कैसे रिमूव करें। तो मैंने पूरी रिसर्च करके और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सारे ट्रीटमेंट्स बता दिए, सब कुछ सॉल्यूशन बता दिया। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव तो होंगे बट परमानेंटली रिमूव होंगे। अब अगर आपको एक्नी या पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ये वीडियो बनाया है, इसको देख लेना, आपके पिंपल्स या एक्नीस परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। मैं आपको वही मिलूंगा। कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव।